नमस्कार विकास, और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव। कई लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि 2023-24 एकेडमिक ईयर का स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यानी कि कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, कब से फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि हमने इससे पहले भी हम आपको जानकारी दिए थे जनवरी महीने में कि अभी लेट होगा, अभी देरी होगी, ठीक है। कई लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं और बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा है कि मुझे एकेडमिक ईयर 2022-23 का फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम आपको बता दें कि आप हमारा वीडियो को लेट से देख रहे हैं, ठीक है, देखे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो डेट निकला हुआ था वो 22 जनवरी से लेकर के 29 जनवरी तक था, लेकिन 30 जनवरी को भी अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जा रहा था, अप्लाई हो रहा था, और 31 जनवरी को दोपहर तक भी अप्लाई हुआ था, लेकिन उसके बाद में बंद कर दिया गया कल तक, कल, ठीक है। यहाँ पे अब आप एकेडमिक ईयर 2022-23 का किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी मतलब कि क्लास के लिए आप चाहते हैं अप्लाई करने के लिए एकेडमिक ईयर 22-23 का, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि एकेडमिक ईयर 2022-23 का क्लोज हो चुका है, बंद हो चुका है। डेट हालांकि निकला था, लेकिन आप लेट से वीडियो देखें, ठीक है, तो अब नहीं अप्लाई कर सकते। नया अगर डेडलाइन कुछ नोटिफिकेशन आता है तो उसका जानकारी हम आपको आगे दे देंगे। तो बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो इसलिए जानकारी आपसे मिस हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्कॉलरशिप का हम हर अपडेट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं एकेडमी के 2023-24 को लेकर के। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका जिला सेलेक्ट करना होता है कॉलेज का, तो वही काम नहीं कर रहा था। मान लीजिए कि हम पलामू को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि हम गढ़वा से हैं लेकिन प्लामू सेलेक्ट करके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे किसी एक ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी ब्लॉक में आपका है, तो बिश्रामपुर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट में, यही है। अब यहाँ पे कॉलेज को सर्च करना है, पलामू जिला के बिश्रामपुर प्रखंड में जो भी कॉलेज है वो यहाँ पर आपको लिस्ट होकर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं हो रहा है, तो भी आपको वेट करना होगा, क्योंकि कॉलेज रिन्यूअल प्रॉब्लम चल रहा है अभी, ठीक है। ये जब तक सही नहीं होगा, कॉलेज रिन्यूअल नहीं होगा, यस नहीं होगा, तब तक यहाँ पे आपको कॉलेज देखने को नहीं मिलेगा, और इसमें अभी आपको वक्त लगेगा। बहुत लोगों को ये भी डाउट है कि डेट ख़त्म ना हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम किसी पूरे झारखंड में नहीं भरा जा रहा है अभी, ठीक है, सभी लोगों का, किसी भी ज़िला को हम आपको दिखाएँ, मान लीजिए किसी भी ज़िला को दिखाते हैं, ठीक है, तो रामगढ़ का मान लीजिए हम दिखाते हैं, ओके, रामगढ़, और किसी भी हम इसका सेलेक्ट करते हैं रामगढ़ सदर को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्लॉक में, ओके करेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी कॉलेज कहीं भी नहीं आ रहा है, तो आप बिंदास होकर के रहिए, अभी बहुत आपको मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि अभी फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है, तो क्या पोर्टल ऐसे ही बंद थोड़ी हो जाएगा बिना फॉर्म भरे स्टूडेंट को, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप बिंदास रहिए, जैसे ही यहाँ पे कॉलेज का प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, यहाँ पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, कॉलेज आपको शो होने लगेगा, हम आपको इसका वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे, वीडियो बना करके काम होने लगा है, कॉलेज का यहाँ पे शो होने लगा है, ठीक है, कॉलेज का समस्या जो है वो खत्म हो चुकी है, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का हर अपडेट इन्फॉर्मेशन हम आपको समय समय पर देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलेंगे जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ हो।